हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में बायजू के बारे में एक बनाया था, उसमें आप लोग कमेंट किए थे कि सिलेक्शन प्रोसीडियर को कैसा था। को बहुत सारे लोग पूछे थे कि आप कैसे सीवी बना के अपलोड किए थे, कौन सा सीवी आपका सिलेक्ट हुआ था, आप कैसे वीडियो बनाए थे जो कि बायजू जो सिलेक्ट किया था। बायजू नहीं, ऐसे भी मेरा और दो एक दो प्लेटफॉर्म में सिलेक्ट हुआ था, उसके साथ साथ कोई इंस्टीट्यूट स्कूल्स में भी सिलेक्ट हुआ था। तो मोस्टली मैं जो अपना इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कौन सा सीवी मैं कैसे इजीली बनाता हूं और जो सीवी मेरा कैसे ऑटो अपडेट हो जाता है लिंक्डइन के थ्रू पे, तो लिंक्डइन के थ्रू पे आप कैसे अपना सीवी को अपडेट कर सकते हो और मिनटों में आप कैसे इंस्टेंटली डाउनलोड करके आपका सीवी जहां पे भी ज़रूरत है कहीं पे भी भेजना है तो ईजिली आप भेज सकते हो। और उसका जो लुक है, डबल कलम वाला लुक होगा, प्रोफेशनल लुक होगा, तो बहुत अच्छे जो कोई भी आदमी वो सीवी देखेगा तो उसको प्रेजेंट मतलब डिटेल पूरा क्लियरली विजिबल हो जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कंप्यूटर स्क्रीन में कि कैसे अपना जो सीवी है अभी का टाइम पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको अपना जो सीवी है वो सीवी अच्छे से मतलब पूरा उसका प्रेजेंटेशन अच्छे से रहना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस, आपका सीवी में आपका समरी सब कुछ सही सही होना चाहिए। उसके साथ साथ जो समरी लिखा हूँ मैं चैट जीपीटी का हेल्प लिया हूँ, तो चैट जीपीटी का भी आप हेल्प ले सकते हो। कोई सपोज पैराग्राफ लिख रहे हो, आपका इंग्लिश ठीक नहीं है, ठीक है, सपोज मेरा कुछ गलती हो जा रहा है तो मैं चैट जीपीटी का भी इजीली हेल्प ले सकता हूँ। मेरा जो गलती है गलत वाला सेंटेंस को मैं चैट जीपीटी में लिख देता हूँ और उसको मैं इंस्ट्रक्ट करता हूँ कि करेक्ट दिस सेंटेंस या करेक्ट दिस पैराग्राफ, दो ब्रैकेट के बीच में वो रख देता हूँ कि करेक्ट दिस पैराग्राफ, तीन चार लाइन लिख देता हूँ तो उसको करेक्ट करके अच्छे से लिख देता है सजा के, ठीक है, चैट जीपीटी। तो वो आप यूज कर सकते हो चैट जीपीटी। आप कोई भी किसी को मेल कर रहे हो, किसी को प्रोफेशनली लिखना है जो मेल के साथ साथ आपका जो सीवी को अटैच करना है, सपोज आपका इंग्लिश का ग्रामर गलत हो जा रहा है आपको लग रहा है या आप सेंटेंस ठीक से सही वर्ड चूज नहीं कर पा रहे हो तो लिखो कि आई एम राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर द पोजिशन ऑफ दिस एज ए टीचर, सो मेरा दिस आर द माई एक्सपीरियंस, राइट ए ईमेल फॉर मी। ऐसा करके चैट जीपीटी पे आप इंस्ट्रक्शन दोगे आपको बढ़िया सा लिख के दे देगा। तो उसके लिए मैं सेपरेट मेल कैसे लिखोगे चैट जीपीटी के थ्रू पे, प्रोफेशनल मेल कैसे लिखोगे और अपना जॉब के लिए कैसे लिखोगे मैं आपको वो भी बताऊंगा आज। मैं और दो मिनट में बता दूंगा आपकी आपको सीवी कैसे आप डाउनलोड करोगे। ये नहीं बता रहा हूँ कि मेरा सीवी बहुत अच्छा है या बहुत बहुत इससे आप अच्छा और भी कर सकते हो, वो कोई बात नहीं है, पर जो बेसिक चीज़ आप बेसिक से भी किसी को फास्ट फॉरवर्ड करना चाहते हो तो फट से आप डाउनलोड करके कर सकते हो। चलो मैं अब दिखाता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये देखो मेरा ये प्रोफाइल लिंक्डइन में खोल के ही रखा हूँ। ये लिंक्डइन में आप एक प्रोफाइल बनाना होता है आपको, लिंक्डइन में ईजिली आप बना सकते हो, जैसे सोशल मीडिया में फेसबुक इंस्टा में हो गया, तो आप लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाते हो तो आपको बहुत एडवांटेज है, जिसमें आप आपका कॉलेज आप जो भी कॉलेज से आप पास आउट हुए हो उसके साथ साथ आप सीनियर को कॉन्टैक्ट कर मतलब कनेक्ट हो जाता है। जहाँ पे जॉब अप्लाई करते हो बहुत सारा कंपनी आजकल लिंक्डइन के थ्रू पर रिक्रूट कर देते हैं, ठीक है, तो जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो उधर भी दिखा देता है कि आपका कितना सारा सीनियर उधर काम कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आप लिंक्डइन का प्रोफाइल बना लो अच्छे से, जैसे मैं ऐसे ही लिखा हूँ, सब मेरे नाम लिखा हूँ, उसके बाद फिजिक्स एजुकेटर लिखा हूँ, फैकल्टी कंटेंट क्रिएटर जेई नीट, ऐसे करके मैं अपना जो सीवी लिखा हूँ। उसके साथ साथ मेरा जो दूसरा चैनल है प्रधान अकेडमी में, मैं डालता हूँ ये जेई नीट वाला कंटेंट, ठीक है। मेरा जो इंस्टीट्यूट है इधर डिस्प्ले कर रहा है, इसके साथ साथ मैं हैशटैग भी कुछ कुछ दे दिया हूँ कि कोई मुझे ढूंढना चाहता है, कोई स्कूल से कोई इंस्टीट्यूट्स मुझे मतलब इस टाइप का सर्च देता है कि हैशटैग फिजिक्स ऑनलाइन टीचिंग इस टाइप का करके सर्च करता है तो भी मुझे मिलने के चांसेस है, वो लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, उन लोगों को ज़रूरत होगा तो ये हो गया। उसके बाद आप अबाउट में लिख सकते हो अपना, जो जैसे मैं लिखा हूँ आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, तो ये मैं थोड़ा बहुत चैट जीपीटी का हेल्प लिया हूँ पैराग्राफ को करेक्ट करने के लिए, थ्रू आउट दम करियर आई हैव वट एवर एक्सपीरियंस, आपका जो भी एक्सपीरियंस है आप ये अबाउट में लिख सकते हो, आपका क्या आपका कौन कौन सा एक्स्ट्रा मतलब आपका क्वालिटी है
ये भी आप डिटेल लिख सकते हो, होल्डिंग द पोजीशन ऑफ नीट डिप्टी सुपरिटेंडेंट, आई हैव डेमोंस्ट्रेटेड लीडरशिप स्किल्स, जो भी आपका है इसमें आप लिख सकते हो, आई एम पैशनेट अबाउट क्रिएटिंग एंड एंगेजिंग ऑनलाइन कॉन्टेंट जेई एंड नीट स्टूडेंट्स यूटिलाइजिंग मॉडल्स एंड एक्टिविटीज टू मेक द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ साइंस इंटरेस्टिंग, ऐसे करके आप अपना अबाउट आपके बारे में लिख सकते हो। तो इसके बाद आप आपका एक्सपीरियंस लिख सकते हो, जो 3 साल में इधर टीचिंग कर रहा हूँ, ये 2 साल का एक्सपीरियंस है, इधर 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो इस टाइप का आप अपना एक्सपीरियंस जो भी है ऐड करते रहना है। तो इसमें एक बेनिफिट है, इधर प्लस करके आप एक एक करके, जो सपोज आप जॉब चेंज किए, न्यू जहाँ पे ज्वाइन किए, इधर प्लस करके आप का इंस्टीट्यूट ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इधर ये आपका इंस्टीट्यूट हो गया, इसी इंस्टीट्यूट में और कौन कितने लोग काम कर रहे हैं वो भी आपको दिखा देगा। उसके साथ साथ उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आपका जो एजुकेशन को इधर लिख दोगे, जो एजुकेशन एड कुछ सर्टिफिकेट वगैरह, तो इसमें आपको प्लस करते रहोगे, ठीक है। तो ये सारे सीवी ऐसे आप बना लोगे, सीवी अच्छे से बना ले के बाद आपको क्या करना है, आपको इधर मोर पे जाना है, जैसे मोर पे जाके सीधा सेव टू पीडीएफ कर देना है। बिल्ड रिज्यूम में भी कर सकते हो, लेकिन उसमें वो प्रोफेशनल लुक नहीं आएगा, आपको वर्ड फाइल जैसा आ जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, जो भी ये डिटेल है, और आपको ये याद रखना है कि लास्ट जो जिसमें काम कर रहे हो उसमें अपडेट रहना चाहिए, क्योंकि ये आपको आ जाएगा कि देखो मेरा लिखा है 2020 से टिल प्रेजेंट लिख रहा है ना, तो इसमें आप मेरा 2 years 11 months का उसमें एक्सपीरियंस है, लास्ट एक्सपीरियंस, तो इसीलिए वो काम में आपको आ जाएगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिक आपको दिखा देगा कि कितना आपका एक्सपीरियंस है, कितना एक्सपीरियंस है। जैसे आपको नेक्स्ट मंथ मैं आऊँगा ये ईमेल लिंक्डइन में, तो मुझे दिखा देगा कि ये मेरा 3 साल हो गया है करके, ठीक है। तो इसमें ऑटोमेटिक वो ऐड होता रहता है, जैसे ही आपका मंथ पास होगा ये आपको ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ मैं कैसे डाउनलोड करूंगा जो मैं दिखा रहा था, ये देखो मोर पे जाऊंगा, मोर पे जाके सेव टू पीडीएफ कर दूंगा, फट से अभी सेव हो जाएगा मेरा पीडीएफ। इधर देखो मेरा इधर सेव हो गया, इधर प्रोफाइल इधर ओपन कर दूंगा, तो मेरा अभी सीवी रेडी। और भी मैं ऐड नहीं किया इसमें, देखो ये मेरा यूट्यूब चैनल आ गया है, मेरा डिटेल्स इधर आ गया है, और ये सारे मेरे देखो कैसे प्रोफेशनल लुक एक सीवी आ गया, इसमें बाद मेरा एक्सपीरियंस आ गया, इसके बाद मेरा एजुकेशन आ गया, सब कुछ एक बढ़िया सा लुक देके ये डबल कलम में ये सीवी मेरे को आ गया, जो समरी में लिखा था इधर आ गया, ठीक है। और जो स्किल्स मैं ऐड नहीं किया हूँ आप ऐड कर सकते हो, और इसको भी बहुत सारे अच्छे से आपके हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। तो स्किल्स आप कंप्यूटर कोर्स किए हो, कुछ आपका एडवांस कुछ सर्टिफिकेट कोर्स किए हो, ये इसमें स्किल्स आ जाएगा, मैं स्किल्स पार्ट ऐड नहीं किया हूँ अभी तक, तो इस लाइन पे आपको स्किल्स भी आ जाएगा, ठीक है। तो वो सब लिखना है, तो इसमें आपको क्या है ना, एक फट से आप एक ये करो, और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि 2 months 11 months जो है ऑटो एडिट होता रहेगा, और आपको दिखा देगा नेक्स्ट महीना से ऐड होता रहेगा। तो फट से डाउनलोड करो, और किसी को भेजना है तो आराम से वो सीवी को भेज सकते हो। तो मैं आपको दिखाया कि आप प्रोफेशनल लुक एक सीवी कैसे 2 मिनट में आप डाउनलोड करके आप अपना जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करना चाहते हो, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, किसी को भेजना चाहते हो तो आप भेज सकते हो। क्योंकि कभी भी आप कहीं पर भी जॉब अप्लाई करो, फर्स्ट आपको HR मांगेगा कि एक सीवी आप दे दो, ठीक है, आपको जॉब के लिए फर्स्ट सीवी। तो सीवी या बायोडाटा आपका अब तो अच्छे से बना लेना चाहिए, तो आपको अच्छे से बनाना नहीं आता, और मतलब अलाइनमेंट वर्ड में प्रॉब्लम हो जाता है, प्रोफेशनल लुक नहीं आता है, ठीक है। तो इस टाइप का लिंक्डइन के थ्रू पे बनाओगे तो बहुत अच्छे से दे देगा, बहुत अच्छे से आपको पूरा डिटेल दे देगा। बस अपना प्रोफाइल को आपको अच्छे से एडिट करके बनाना है। आप प्रोफाइल एडिट करना नहीं जानते हो, कैसे अकाउंट बनाना लिंक्डइन में नहीं जानते हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं फिर से लिंक्डइन के कैसे आप प्रोफाइल बनाओगे, कैसे कनेक्ट करोगे दूसरा आपका ऑर्गेनाइजेशन से, दूसरा जॉब जो जिसका कंपनी जो जॉब दे रहा है उन लोगों को कैसे कनेक्ट करोगे, या उन लोगों का मैसेज कैसे करोगे, ये सब जानना चाहते हो तो कमेंट करना, मैं फिर से और एक वीडियो बना दूंगा बाद में फ्री टाइम देख के, ठीक है। तो ये वीडियो में मैं आपको दिखाया कि आप कैसे लिंक्डइन के थ्रू पे आसानी से कैसे अपना सीवी बना सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और कमेंट करके बताना कि इफ़ इट इज़ हेल्पफुल और नॉट, जो भी आपका फ्रेंड किसी को ज़रूरत होगा तो आपको शेयर कर देना है।
Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye. Good night.